कोई और गरीब है, धन से ही है, एक है वो स्वयं भोजन नहीं कर सकता है, फिर अपने पिता के निमित्त कैसे किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, उसके लिए क्या कहना है। महाभारत में स्वयं पितामह भीष्म थे, यदि ऐसी अवस्था है कि आपको भी भोजन नहीं करने की व्यवस्था, आपको अपना चलता सामर्थ्य नहीं है कि आप स्वयं भोजन कर सके, तो ऐसी अवस्था में नदी किनारे जाना चाहिए और नदी के किनारे की घास को उखाड़ कर दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों का स्मरण करकर हाथ उठाकर उस घास के सहारे जल का जलांजलि दे देना चाहिए और अपने पूर्वजों से कहना चाहिए आप सब मेरे इसी जल से तृप्त हो। शास्त्रों में लिखा है उस जल से भी, उस जलांजलि से भी सारी मर्यादा का पालन हो जाएगा। जैसे आप बहु व्यंजनों को बना के पुण्य लेंगे, वही पुण्य जल देने की प्राप्त हो जाएगी। हमारे यहाँ शास्त्रों में विधान कराइए, मेरा कल्याण नहीं होगा। सुबह भगवान पवन भास्कर भगवान सूर्य से गोकर्ण जी ने कहा मेरे भैया का कल्याण कैसे होगा, तो सूर्य ने कहा श्रीमद भागवतम शास्त्रम सप्ताह, एक सप्ताह का श्रीमद भागवत कथा का आयोजन करिए। सप्ताह आचरण गुरु गोकर्ण जी ने सुंदर मंच बनाई है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे थे, पास में एक सात घंट का बांस रखा था, धुंधकारी की आत्मा उस बांस में आके समाहित हो गई। पहले दिन पहली ग्रंथी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथी, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथी, कहते कहते सातवें दिन में सातवां ग्रंथी पूरी गई। आप सब परिवार के बच्चे भी बैठे हैं और आप सब वयोवृद्ध भी बैठे हैं। देखिए बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं और कहीं बाहर की बात नहीं बता रहा हूं, सन 2011 की बात है। कितना वर्ष हो गया 2011, कितना वर्ष हो गया 2011, 12 साल पुरानी बात है। इसी भोपाल में हम तो कहते हैं प्रेत भंग स्थापित हुआ। पांचवें दिन वही भाई स्वप्न में आया, पांचवें दिन, और वैसे दुखी होकर आता था, होते हुए आता था, उस दिन प्रसन्न था और स्वप्न में आकर उसने कहा भैया बड़ी कृपा की आपने। और सातवें दिन जब मेरी कथा पूरी हुई तो सैकड़ों हजारों लोगों के उस कथा में लड़ गए, सबके देखते देखते मंच पर जो बांस रखा हुआ था सात फंदियां फट गई और बांस बच गए। ये बाहर की बात नहीं, इसी भोपाल की, अभी 12 वर्ष पुरानी। ये केवल भागवत की महिमा में मैं आपको सुना रहा हूं कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान है, आप आश्रय भाव से जीते, धुंधकारी का कल्याण हो गया, भगवान के पार्षद आए मान लेकर, मानो जैसे देव रूप धारण किया हो, पीतांबर से युक्त धुंधकारी प्रकट हो गया और भागवत में धुंधकारी भी प्रवचन देने लगा। धुंधकारी ने प्रवचन दिया भागवत का, जैसे ही दीवान में बैठा धुंधकारी ने कहा धन्य भागवती लोग रहे हैं।
एपी सुन रहा था, बाकी तो संस्कृत मणि आप मुझे जोड़ते होता है। मन बैठे बैठे दिल्ली में घूमता है। मैं अधिक पुरानी नहीं बात कर रहा हूँ, सुनी लेकिन इनका मन कथा में नहीं था, लेकिन धुंधकारी ने पूरे मन से सुना। गोकर्ण जी ने संकल्प ले लिया, छह महीने बाद श्रावण का महीना आया, श्रावण के महीने में पुनः कथा हुई। और भैया श्रीमद् भागवत के महात्म में लिखा है, जैसे त्रेतायुग में भगवान श्री राम भद्र संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेके अपने साथ साकेत प्रस्थान किए थे, ऐसे ही जितने श्रोता थे सबके लिए विमान आया, सबके लिए सबका विमान आया। लेकिन कथा व्यास के लिए कुछ खास आया, विशेष आई है। भगवान की लगा जब यजमान और श्रोताओं के लिए विमान जा रहा है तो जो कथा कह रहा है हमारे गर्भ भगवान स्वयं घरों में बैठ के पधारे और उन्होंने अपने गरुड़ के पुत्र को बिठाया, अपनी गोद में बिठाया, आलिंगन दिया है। और इससे बढ़ के भागवत की कोई रचना नहीं हो सकती। ये कहने की रचना है, सुनने का फल क्या होगा वो तो आप जानते हैं, लेकिन कहने का ये फल है कि भगवान की गोद में। यदि आप बहुत भाव से सुने तो जहां बैठे हैं भगवान की गोद, भगवान की भगवान की ओर पर कौन नहीं हम लोग उपस्थित होकर सुन रहे हैं। सारे लोगों का कल्याण हो गया। फिर तो महाराज जी नारद जी सरकार लोगों से सुन रहे थे, सूत स्वर्ण ऋषियों को सुना रहे थे। नारद जी की सभा में सरकार लोगों ने कहा, नारद जी यह जो चरित्र है ये हमने चित्रकूट में सुना था, चित्रकूट में सारिकाम जी की सेवा करते हुए हमने सुना है, अरोध भागवत की महिमा है। नारद जी ने कहा, महाराज हमें विराज को बता दो कैसे सुनानी चाहिए करनी चाहिए। सरकार जनों ने कहा यदि हो सके तो यजमान को बीपी में सुनना चाहिए, आप पांचों भैया सुनते हैं तथा कैसे सुनना है उन्हें बीपी की। नारद जी ने हाथ जोड़ी जैसे आपने जोड़ी ऐसी हाथ जोड़ी उन्होंने करता। उन्होंने कहा सरकार लीवर बिगड़ जाएगा, शादी हो जाएगी सुनेंगे, आप आज्ञा करिए। तो सरकार देवों ने कहा कोई बात नहीं, हो सके तो सलाह करके सुनो। उन्हें महाराज सलाह में बात नहीं करेगी, सुस्ती रहेगी। तो सरकार देवों ने कहा भोजन वरम बनने कथा श्रवण कार्यक्रम नो मुसो बड़ा भोगता कथा भिन्न करो। यदि कथा में विघ्न होता है उनके रहने से तो भैया एक बार नहीं दो बार नहीं पांच बार पाओ, लेकिन कथा पहन से सुनो। कथा सुनते समय एक एक आसन बैठो, एक जगह बैठ के कथा सुनो। हमारी एक इच्छा है, बुरा ना लगे आप लोगों को, कल से एक कंबल का आसन बनाए और कथा की जो वृत्ति है वो सब अपनी आगे बैठे कथा सुनने की मर्यादा है। सुनने वाले आएंगे वो बैठ के जाएंगे, हम तो प्रति है, हमें संकल्प लिया है कथा सुनने। यजमान को सबों आसन लगा के बैठना चाहिए। वैसे मैं तो मेरे ठाकुर जी को और ये जो हमारे यजमान बैठे हैं इन्हें सुना, मेरे मूल यजमान तो ये इनको सुना रहा हूँ और हमारे सबों ठाकुर जी हैं। लेकिन आप प्रतिनिधि रूप में यजमान है तो भले ही एक नीचे बैठने में दिक्कत हो तो एक सोफा पे आसन लगाइए, लेकिन अपना आसन अपने साथ होना चाहिए। और माता को जिम्मेदारी दीजिए वो आसन बिछाए और हो जाए, कि भैया की जिम्मेदारी होगी, धर्म पत्नी है वो धर्म के आसन पर बिछाएगी। अद्भुत उत्सव हुआ, कहां कथा करनी चाहिए तो तीर्थ वापी बने वापी गृह वासना मतम बहुत अच्छा होगा, किसी तीर्थ में कथा करें, तीर्थ में नहीं हो तो घर में कथा करें, वन में ना हो तो घर में कथा करें। आप लोगों को सौभाग्यशाली है, भगवान शिव जी की सहायता। और आप सबको बताऊं मुझे बड़ा हृदय में आनंद हुआ जब
1200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक भूमि में हम लोग बैठे हैं। 1200 वर्ष का तो प्रमाण है मनकामेश्वर मंदिर जिनकी गोद में हम बैठे हैं भोले बाबा। 1200 वर्ष पुरानी स्थिति है वो देवालय हो गया, तीर्थ हो गया, नाम भगवान का 1200 साल तो तीर्थ भी घट गया और यहाँ के क्षेत्र गोपा मंदिर के क्षेत्र में राजघाटी के नीचे का जो क्षेत्र है तो ये भगवान के मंदिर का आनंद धर्मों है और बाबू जी के विशेष लगाव के कारण ये आप लोगों का घर भी है। उनकी कई यादें यहाँ जुड़ी हैं, उनकी जो विशेष शक्ति है तीनों चीजें यहाँ घट रही है। तीर्थ के बाप गणे बाप सर्वराशन ग्रहे बाप सर्वभम कैसे करना चाहिए माता को का विवाह की जैसा अपने बंधु बांधवों को बुलाकर खूब उत्साह पूर्वक कथा करिए। इस प्रकार छह भगवत का महत्व सुना ही रहे थे तो महाराज प्रहलाद जी आ गए। इंद्रो वादिं मृदंगम जय जय सुग्रह कीर्तने ते कुमारा यत्रात्रि भावपत्र सरसरसनया व्यास पुत्रो भगवा। अद्भुत भागवत पूर्वक कीर्तन हुआ और भागवत के महात्म को छह अध्याय पहले कथाएं आठ दिन की